हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू स्पीक वेल. ओके, कॉन्वर्सेशन लेसन 3 एंड द नेम ऑफ दिस लेसन इज शॉर्ट आंसर्स. बच्चों, कभी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आप पूरा आंसर देते हैं. जैसे कि अगर कोई पूछता है कि क्या आप डेली पढ़ते हैं, तो आप बताते हैं कि हाँ, मैं डेली पढ़ता हूँ. ठीक है, लेकिन उस आंसर को शॉर्ट में भी बोला जा सकता है. तो इस लेसन में हम यही समझेंगे कि शॉर्ट में कोई आंसर कैसे दे सकते हैं. देखिए, डू डज का यूज़ है इस लेसन में. इसमें अंकल और एक बच्चा है जिसका नेम अमित है, उन लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, और हम देखेंगे कि क्या बात हो रही है. शॉर्ट आंसर देना है इसमें. ठीक है, देखिए, अंकल इज आस्किंग, डू यू लर्न इंग्लिश अमित? अंकल अमित से पूछ रहे हैं कि अमित, क्या तुम इंग्लिश लर्न करते हो? बच्चों, आपसे भी पूछते हैं, टीचर्स पूछते हैं, या घर पे कोई पूछता है इस तरह से क्वेश्चन, है ना? तो उसका पूरा आपको आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे शॉर्ट में भी बोल सकते हैं. जैसे अगर कोई आपसे पूछे क्या आप इंग्लिश लर्न करते हो, हिंदी लर्न करते हो, तो आपको पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, मैं इंग्लिश लर्न करता हूँ, हाँ, मैं हिंदी लर्न. देखिए, उसका शॉर्ट आंसर है क्या है, अमित इज सेइंग यस आई डू. बस इतना सा आंसर है, यस आई डू, मैं लर्न करता हूँ. इसका पूरा आंसर ये होगा, मीनिंग ये होगी कि हाँ, मैं लर्न करता हूँ. लेकिन इंग्लिश में उसका एक वर्ड होता है, यस आई डू, हाँ, मैं लर्न करता हूँ. ठीक है, अगेन अंकल इज आस्किंग नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नीड माई हेल्प? क्या तुम्हें मेरी हेल्प की आवश्यकता है? ओके, और देखिए इसका शॉर्ट आंसर, यस आई डू, हाँ, मुझे आवश्यकता है. देखिए, पूरा आंसर नहीं दिया उसने कि हाँ, मुझे आपकी हेल्प की आवश्यकता है. उसने शॉर्ट में बोला कि यस आई डू, हाँ, मुझे आवश्यकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकल इज आस्किंग दैट डज अजय प्ले क्रिकेट? क्या अजय क्रिकेट खेलता है? तो इसका अगर हम आंसर देते हैं, अमित अगर लॉन्ग आंसर देगा तो क्या होगा कि हाँ, अजय क्रिकेट खेलता है. ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट आंसर है, तो शॉर्ट आंसर क्या होगा, यस ही डज, हाँ, वह खेलता है. देखिए, क्वेश्चन तो इतना लेंदी है, डज अजय प्ले क्रिकेट, क्या अजय क्रिकेट खेलता है, लेकिन आंसर कितना शॉर्ट है, यस ही डज, हाँ, वह खेलता है. ठीक है, तो आप इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चंस के छोटे छोटे आंसर दे सकते हैं. ठीक है, शॉर्ट आंसर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकल इज आस्किंग डज ही प्ले फुटबॉल टू? क्या वह फुटबॉल भी खेलता है? अब उन्होंने फिर पूछा है, क्या वह फुटबॉल भी खेलता है? अमित इज गिविंग आंसर, क्या आंसर दे रहा है अमित? यस ही डज, हाँ, वह खेलता है. अमित ने इतने बड़े क्वेश्चन का बड़ा सा आंसर नहीं दिया कि हाँ, वह फुटबॉल खेलता है. उसने सिर्फ इतना सा आंसर दिया कि हाँ, वह खेलता है, यस ही डज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकल इज आस्किंग Do they teach you? क्या वे तुम्हें पढ़ाते हैं? अमित इज सेइंग यस दे डू, हाँ, वे पढ़ाते हैं. ठीक है, शॉर्ट आंसर है बच्चों. बहुत पूरे क्वेश्चन की तरह उसका आंसर लेंदी देने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में भी आंसर दिया जा सकता है. ठीक है, अब ये तो जितने भी क्वेश्चन आंसर आपने देखे, ये पॉजिटिव थे, मीन्स सबका आंसर हाँ 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 हाँ, देखा आपने, सब में यस 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 है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डोंट एंड डजंट, मींस इसमें जो आंसर होगा वो नहीं में होगा. कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर नहीं में है कि नहीं, मैं नहीं करता हूँ, नहीं खाता हूँ, नहीं जाता हूँ, कुछ भी समझिए. ठीक है, देखिए, अंकल इज आस्किंग डू यू लर्न गुजराती? क्या तुम गुजराती लर्न करते हो? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, डू यू लर्न गुजराती? अब इसका आंसर शॉर्ट में क्या है, और शॉर्ट में है और नो में होगा. ठीक है, अमित क्या आंसर दे रहा है, नो आई डोंट. देखिए इसमें एन मिसिंग है, मिसप्रिंट हुआ है. ये बुक में कभी कभी हो जाता है बच्चों, प्रिंटिंग के टाइम कोई भी लेटर छूट सकता है, मिस्टेक कहीं भी हो सकती है. तो देखिए अमित ने क्या आंसर दिया, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं लर्न
लर्न करता हूँ, जबकि उसका आंसर क्या होना चाहिए था कि नहीं मैं गुजराती नहीं लर्न करता हूँ, लेकिन उसका शॉर्ट आंसर है नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं लर्न करता हूँ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकल इज आस्किंग दैट डू आई बीट यू, क्या मैं तुम्हें मारता हूँ. ओके एंड द आंसर इज, अमित इज गिविंग आंसर, नो यू डोंट, नहीं आप नहीं मारते हैं. देखिए छोटा सा आंसर है, नो यू डोंट, नहीं आप नहीं मारते हैं. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकल इज आस्किंग डज अजय लर्न कंप्यूटर, क्या अजय कंप्यूटर लर्न करता है. ठीक है देखिए क्वेश्चन कितना लेंथी है, कितना बड़ा है, डज अजय लर्न कंप्यूटर, क्या अजय कंप्यूटर लर्न करता है. अमित इज गिविंग आंसर, शॉर्ट आंसर देना है. ठीक है वो भी नो में देना है. अमित इज गिविंग आंसर, नो ही डजंट, नहीं वह नहीं लर्न करता है, जबकि उसे आंसर क्या देना चाहिए था कि नहीं वह कंप्यूटर नहीं लर्न करता है, लेकिन शॉर्ट आंसर का ये लेसन है तो आंसर क्या है, नो ही डजंट, नहीं वह नहीं लर्न करता है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकल इज आस्किंग डज अनीता गो टू मूवीज, क्या अनीता मूवीज जाती है, देखने जाती है पिक्चर्स, मूवीज सिनेमा हॉल में. ओके अमित इज गिविंग आंसर, नो शी डजंट, नहीं वह नहीं जाती है. ठीक है जबकि उसे तो पूरा आंसर देना चाहिए था कि अनीता मूवीज के लिए नहीं जाती है, लेकिन शॉर्ट आंसर नो शी डजंट, नहीं वह नहीं जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकल इज आस्किंग डू दे टीज यू, क्या वे तुम्हें परेशान करते हैं. अमित नो दे डोंट, अमित क्या आंसर दे रहा है कि नो दे डोंट, नहीं वे नहीं करते हैं. डियर स्टूडेंट्स इस लेसन से हम क्या, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है लेकिन उसका शॉर्ट आंसर भी हम दे सकते हैं. ठीक है तो आप इस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ये जो शॉर्ट आंसर है इसे समझने की कोशिश करिएगा. आइए अब देखते हैं हम वर्ड्स टू रिमेम्बर, कुछ वर्ड्स हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसे हम स्पेल करेंगे. ओके मेरे साथ आप बोलिए, फर्स्ट है लर्न, हेल्प, गुजराती, क्रिकेट, प्ले, बीट, मूवीज, टीज, फुटबॉल, अगेन टीज. ओके तो आप इस लेसन को अच्छे से पढ़िएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके थैंक यू.